आदाब ख़वातीनों हज़रात, पेशे खिदमत है हमारा हफ्ता भर प्रोग्राम शख्सियतें। आज की शख्सियतों में हम जिस शख्सियत को आपसे रूबरू कराने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताने से पहले मैं अपने सामीन को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए उम्र का कोई बंदिश नहीं होती। कोई 95 साल का, 90-95 साल का आदमी भी मंजिल हासिल कर सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। कोई 12-13 साल का बच्चा भी अपने पूरे कर सकता है सपने, लेकिन उसके सपनों में एक फौलादी इरादा होना चाहिए, एक उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ अपने समाज के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए करनी है। एक एग्जांपल मेरे ध्यान में आ रही है सचिन तेंदुलकर साहब की, सारी दुनिया जानती है। 16 साल से कम उम्र थी जब हिंदुस्तान की टीम के लिए उनका सिलेक्शन हुआ। पहली मर्तबा वो पाकिस्तान में इंडिया के लिए खेल रहे थे। वसीम अकरम साहब दुनिया के सबसे ख़तरनाक बॉलर बॉल कर रहे थे, बॉल आई नाक पे लगी और नाक पे चोट लगी, खूनम खून हो गए, वापस पवेलियन चले गए, वहाँ इलाज कर हुआ उनका। अगले दिन हालत टीम की खस्ता थी, जो अक्सर हमारी टीम की खस्ता हो जाती है फास्ट बॉलिंग के ख़िलाफ़। हम घर में ही शेर हैं, बाहर तो हम चूहे भी नहीं हैं। एनीवे, खैर वो क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं। तो उनके अगले दिन जब वो दोबारा बैटिंग करने आए तो वहाँ की जो ऑडियंस थी, जो लोग देख रहे थे, उन्होंने नारे लगाए भी इसको चॉकलेट दो, इसको बॉटल में दूध पिलाओ। लेकिन उस बंदे के अंदर इरादे थे, फौलादी इरादे थे, सपने थे, उड़ने के सपने थे। वो बंदे ने वसीम अकरम की धुलाई की और उसके बाद अगले मैच में एक बहुत बड़े स्पिनर थे अब्दुल कादिर साहब, उसको 3 छक्के लगातार मारे। सारी दुनिया में पता लग गया सचिन तेंदुलकर क्या है। और वो सचिन तेंदुलकर 35 साल की उम्र में यंगेस्ट हिंदुस्तानी बना जिसको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। सो कहने का मतलब ये है कि आप अगर सोच लो कि मैंने ये करना है ईमानदारी से, और उतनी ईमानदारी से उसको फॉलो करो, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको मंजिल हासिल ना हो। तो आज की जो हमारी शख्सियत है, हमने काफ़ी हम रिसर्च करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि कैसी कोई ऐसी शख्सियत आपके रूबरू लेके आए जिससे हम कुछ सीख सकें। मेरा समाज, मेरा हिंदुस्तान, मेरे देश के बच्चे, मेरे देश के नौजवान कुछ सीख सकें। तो आज सबको सिखाने वाली और चौंकाने वाली शख्सियत है हमारी। तो हम मिलते हैं एकम से, एक 12 साल की बच्ची, उसने क्या कारनामा अंजाम किया दिया, आइए मिलते हैं एकम से। आइए, अब हम एकम से रूबरू हैं, जो हमारी आज की मेहमान खसूसी हैं, जो आज की हमारी मेन मेहमान हैं। तो एकम, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बेटे, भी स्कूल जाने के बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा एकम, एक बात बताइए कि आप की अभी 12-13 साल की उम्र है ना, मैं ठीक हूँ? 10 साल। ओ सॉरी, 10 साल है वो। आप 10 साल का जो बच्चा है वो तो गुड्डे गुड़ियाँ का तो खैर टाइम नहीं चला गया, आजकल बच्चे गुड्डे गुड़ियाँ तो नहीं खेलते, मोबाइल इंटरनेट ये खेलते हैं। तो मोबाइल इंटरनेट के बजाय आपने ये शौक क्या, आप में ये शौक कैसे आया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा ने मुझे थोड़ा सा इंस्पायर किया, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था जैसे सीड्स लगा के, हम जैसे उसको मिट्टी में खोद के सीड्स लगाते हैं, आपको उसके बाद पानी वाटर करना और उसके बाद उनका देखभाल करना। तो मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद थी कि जब उनमें से जैसे अगर फ्लावर का है तो फ्लावर आ जाता था बाहर, किसी वेजिटेबल या फ्रूट का फ्रूट आता था बाहर, मुझे एक चीज़ का बड़ा शौक था। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे इंस्पायर किया। और दूसरी बात, जैसे जब कोरोना आया था तो लोग आर्टिफिशियल इंस्पायरेशन लेके, वो एक्चुअली उनके एक बीमारी हो रही थी उनके लंग्स में, ब्लैक फंगस। तो मैं सोच रही, फिर मेरे दिमाग में ऐसी एक चीज़ आई कि अगर हम जो नेचुरल ऑक्सीजन है हम उसको ही मतलब इतनी सारी हम उसको पैदा करें, ऑक्सीजन को ज़्यादा पैदा करें, हाँ, ज़्यादा पैदा करें, तो हमें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उससे ये बीमारी वगैरह भी जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाएगी। तब आपने सोचा कि भी हमें
ऑक्सीजन तब ज्यादा मिलेगी नेचुरल अगर हम ये पेड़ लगाएंगे, ट्रीज इम्प्लांट करेंगे, तब आपने सोचा। अच्छा फिर बेटे ये जो काम है ट्री प्लांटेशन का, आई थिंक इट्स नॉट सो इजी, इतना आप इरादा कर लो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपने किया इरादा और आपने करके भी दिखाया। आप अभी तक बताइए तकरीबन आप कितने प्लांट्स लगा चुके हैं? मैं 2100 प्लांट्स लगा चुकी हूं। 2100 प्लांट आप लगा चुके हैं। वैसे अगर मैं लगाना चाहती तो मैं 20,000 30,000 कितने भी लगा सकती थी, लेकिन अभी तक मैंने उतने लिमिटेड लगाए जिनका भी मैं टेक केयर कर पाऊं। अगला सवाल मेरा यही आपसे था कि हम देखते हैं जैसे सरकारें करती हैं, वन महोत्सव मनाया जाता है, वहाँ होता है अभी 1,00,000 प्लांट लगा दिए, 1,50,000 लगा दिए, 2,00,000 लगा दिए, लेकिन उनकी कोई केयर नहीं करता। जो आप लगा रहे हो 2,000 या 2,100 जितने भी 1,500 वट एवर इट इज जितने आपने लगाए हैं, तो आप उनको फॉलो रखते हो, उनका केयर करते हो बाद में? मैं जैसे मेरे स्कूल भी जाना होता है तो मैं डेली नहीं जा सकती, लेकिन जैसे मैंने कहीं जगह पे लगाए हुए हैं और जब तो छोटे थे तो मैंने उनकी केयर कर ली, जब थोड़े से मतलब बड़े हो गए तो फिर मैंने ना जैसे जहाँ जो उसके मतलब ओनर है उस जगह पे उस जगह के, तो मैंने उनको जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप जैसे हम हर संडे या सैटरडे सेकंड सैटरडे को हम आया करेंगे, और मतलब हम एक बार पानी अपना खुद से भी दे जाया करेंगे, बिटवीन आप कीजिए। तो वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी, कोई एक आधा ऐसा बताइए जिन्होंने आपको आपने कहा और उन्होंने आपकी बात कबूल की और वो कर रहे हैं आपके पार्ट, कौन एक आधा नाम? जैसे जो एक रबर मार्केट सर है वो आरटीओ है। अच्छा, और मैंने उनके घर के बाहर लगाई थी, उन्होंने 1,000 मुझे जगह दी थी, 1,000 यार्ड जगह दी थी उन्होंने। तो जैसे जब थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने फिर उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप जब नहीं आ पाओगे तब आप देखिए, तो आप देखिए, तो वो देखते हैं। इट्स वेरी गुड है ना कि सोसाइटी वाले भी आगे आ रहे हैं, सोसाइटी भी हमारे आगे आ रही है, आपको कोऑपरेट कर रही है, क्योंकि अकेले तो करना बहुत मुश्किल है बेटे। आपके पेरेंट्स से भी आपको कोऑपरेशन मिलती है? यस। स्कूल से? स्कूल से वैसे जैसे अगर मुझे कोई अवार्ड कुछ मिलता है मुझे तो कभी कभी मुझे जैसे स्टेज पे बुला के एक बार मेरा अनाउंस कर देते हैं बस, और बस यही है, थोड़ा मतलब अनाउंस कर देते हैं। वो ऐसे लगता है कि स्टेज जैसे आपके क्लास में 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं तो जब कोई अवार्ड मिलता है आपको तो लगता है भी मैं सबसे अलग हूँ, लगता है ऐसा? थोड़ा सा लगता है कई बार जैसे मुझे अवार्ड मिला तो अलग है, तो बच्चे भी कहते हैं कि तू तो अलग है यार। थोड़े से उन्होंने मुझे कई बार कहते हैं कि मैं तुझे अवार्ड मिले हुए हैं, स्टेट अवार्ड मिला हुआ है या गवर्नर से मिल के आई थी, ऐसे मुझे कहते हैं ना, वो कहना बनता भी है उनका। तो आपको कैसे लगता है? मुझे थोड़ा सा मतलब प्राउड फील होता है। प्राउड फील होता है और काम किया उसको रिकॉग्नाइज हो रहा है, और मुझे अपने वापस से बड़ी खुशी होती है कि जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया इस चीज के लिए और जो मतलब हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं इस काम के लिए। अभी एक मतलब बताइए, सपनों की तो कोई बेटे लिमिट है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। आप ये कितना आपका टारगेट कुछ सोचा भी और कितने और लगाने हैं जिनकी केयर कर सको? वैसे हमारा कोई पर्टिकुलर टारगेट तो नहीं है, जैसे जितने हम मोस्टली लगा सकते हैं मैं उतनी कोशिश करती हूँ, हम जितने मोस्टली लगा सकते हैं हम उतने लगाते हैं। और जैसे कि जब प्लांट्स बड़े होते हैं मैंने आपको बताया कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो चलो हम थोड़े से मतलब एक्स्ट्रा लगा सकते हैं उसके बाद। अच्छा बच्चे एक सवाल इसमें यहाँ भी है, जैसे ये प्लांट्स हैं जो आप लगा रहे हो जितने आपने लगाए हैं 2021 तो वो सब आपको स्पॉन्सर्ड मिलते हैं या पैसे खर्चने पड़ते हैं उनके? वो जैसे वैसे अभी पैसे तो नहीं खर्चने पड़ते और स्पॉन्सर्ड देते हैं, जैसे जो राउंड ग्लास फाउंडेशन है वो जैसे अगर हमें कोई चाहिए होते हैं पौधे तो हम उनके पास जाते हैं और हम जैसे अगर 50 चाहिए हमें 60 चाहिए जितने भी चाहिए वो दे जाते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल और आपसे बनता है, जैसे अब आपको काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन मिल गई है, स्टेट अवार्ड मिल गया है, गवर्नर साहब ने भी आपको ऑनर किया, तो स्टेट गवर्नमेंट या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई आपकी फाइनेंशियल हेल्प करती है? क्योंकि आपका इसमें टाइम तो लगता है साथ में पैसा भी लगता है, क्योंकि आप आते हो अपने को आपको वहाँ गुड़ाई भी करनी है, खाद भी डालनी है, पानी भी डालना है, काफ़ी कुछ करना पड़ता है ना, तो Do you get any financial support from any corner? No, I don't get any. You don't get any. This is not good, है ना? मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हो बच्चे। Thank you. और ये आप एक ट्रेंड सेटर हो, इतनी छोटी उम्र में बच्चा इतना अच्छा अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इतना बच्चा कोई सोच सकता है? आपने सिर्फ सोचा नहीं, आपने करके भी दिखाया है। Thank you. So, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक,
और आपके हम चाहेंगे आपके पेरेंट्स की भी एक आपके साथ फोटो हो जाए okay. है ना, क्योंकि उनका भी हक बनता है। तो आइए सर आपकी भी एक फोटो हो जाए, इससे पहले हम वाइंड अप करें, एक फोटो आप भी आइए, आप दोनों के लिए बजे आपकी बेटी के साथ लीजिए सर। शमी साहब ये एकम के माता पिता हैं, इनका भी कंट्रीब्यूशन एकम से कम नहीं ज़्यादा ही कहिएगा, क्योंकि अगर ये लोग सपोर्ट ना करते तो शायद ये बच्ची नहीं कर पाती। तो इन लोगों से भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कि अगर हमारे बच्चे उड़ना चाहें तो हमें उड़ने देना चाहिए, उनके पर नहीं काटने चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनकी परवाह और बुलंद करनी चाहिए। इसी के साथ हम एकम आपका शुक्रिया अदा करते हैं बेटे, और रब से दुआ करते हैं कि आपको और ताकत मिले और हिम्मत मिले, ताकि आप हमारे सोसाइटी का ऐसे ही असली प्योर ऑक्सीजन से, नेचुरल ऑक्सीजन से फ़ायदा कर सको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये दोस्तों हम आपको ये दिखा रहे हैं एकम का, ये स्टेट अवार्ड है, पंजाब स्टेट ने हमारे जो यहाँ के वज़ीर आला साहब हैं उन्होंने 15 अगस्त को इस बच्ची को दिया, उसके जो उसने काम किए हैं। ये गवर्नर साहब ने अभी पिछले 2 दिन पहले बुला के ये गवर्नर साहब ने दिया, ये स्टेट अवार्ड है। लेकिन मैं पंजाब स्टेट से हमारे जो वज़ीर आला साहब हैं उनसे एक बात पूछना चाहूँगा कि इस अवार्ड का ये क्या करेगी? सिर्फ घर के ड्राइंग रूम में लगा सकती है? जो इस बच्ची ने अपने सपने पूरे करने हैं उसके लिए इसको पैसे चाहिए, क्योंकि इसने पेड़ लगाने हैं, और पेड़ लगाने से सिर्फ मुद्दा ख़त्म नहीं होता, पेड़ों की देखभाल भी करनी है, वहाँ के गोडी भी करेगी, पानी भी देगी, कोई इसको बंदा चाहिए, कुछ खर्चा होता है, तो कहाँ से करे ये सारी, अपने माँ बाप के ऊपर कब तक डिपेंडेंट रहेगी? तो मैं पंजाब सरकार के जो बहुत अच्छे हमारे वज़ीर आला साहब हैं उनसे ये कहूँगा, अकेला ये छुनछुना मत पकड़ाया कीजिए, ये छुनछुना है, ये छुनछुना देना बंद कीजिए। कम से कम जो स्टेट वार्डी हैं उनको 50,000 रुपये महीना दिया कीजिए, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। उन्होंने ये पैसा अपने लिए नहीं खर्च करना, क्योंकि इतना कुछ हासिल किया है तो वो लोगों के लिए करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश उन तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए।